तो तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधान परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहुंचे और दावा किया कि हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों घबरा गए हैं और बिहार आ रहे हैं। वहीं भाजपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि थोड़ा रिजर्वेशन तो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए अलायंस की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे, डर डर के मारे डर गए हैं। सर प्रधानमंत्री जब जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल गई। कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए, 400 बोल रहा है, चलेगा, पार हो गए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हैं। एसके राजीव, लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि कुछ जो आरक्षण है वो मुसलमानों को मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं देखिए काजल, दरअसल में लंबे समय बाद आज लालू प्रसाद यादव जब राबड़ी देवी के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधानसभा पहुंचे थे तो मीडिया से वो मुखातिब हुए और उन्होंने मुखातिब होते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर अटैक किया और यह कहा कि ये लोग इस देश में जो संविधान है और संविधान के अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिए गए हैं उस रिजर्वेशन को खत्म करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो 400 पार सिर्फ उनका सपना है और अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों इतने अब डर गए हैं कि उनको पटना में रोड शो करने की जो है वो आवश्यकता पड़ गई है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुके, भी कही कि मुसलमान को अब रिजर्वेशन देने के लिए जो है वो बात की जा रही है और मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरी तरीके से आज अटैकिंग मोड में थे और उनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री थे और उन्होंने यह भी कहा कि जो आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है और जो दो फेज की जो वोटिंग हो चुकी है उसमें बिहार में वो 15 की 15 सीट जो है वो फिलहाल अभी जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। तो लंबे समय बाद आज लालू प्रसाद यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपनी भड़ास जो है वो जम करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर निकाली। जी काजल जी, एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।